सिंह जी, आप ये क्यों आए? मैं अपने बेटे के लिए जांच कराने के लिए आया हूं, जो इस केस में बेगुनाह फंसाया है, तो उसकी मैं सीबीआई जांच के लिए एसएसपी ऑफिस, डीएम, इनके यहां मैंने अपना ज्ञापन दिया है। सभी क्षेत्रवासी इनमें रोष है, ये स्वयं ये चाहते हैं कि इस बच्चे की निर्दोष जाँच हो, इस केस की निर्दोष जाँच हो। सर, वो आपका लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम अंकित पुष्कल। पुष्कल जी, पुष्कल क्या करता है? पुष्कल बीटेक किए हुए है, दुबई रिटर्न है, दो साल नौकरी करने के बाद आईएएस पीसीएस के टेस्ट दे रखे हैं, और दिल्ली एसआई का उसका नंबर आया हुआ है। 19 तारीख का पेपर में पीछे आया था कि मेडिकल प्लस कागज इसके जॉइंट होने हैं, काम हुआ हुआ। तो राजवीर सिंह जी, क्या आपकी इनसे कोई दुश्मनी है कि जो आपके बच्चे का नाम? इनसे रिलेशनशिप थी, बेटी और ये बेटे का रिश्ता तय हुआ था, वो रिश्ता लेके आए थे, वहाँ एक छोटी सी रिलेशनशिप थी और ये रिश्ता हो चुका था। उसमें थोड़ा सा विरोध हुआ उनके परिवार से कि मेरे पास प्रॉपर्टी कम है, उनके पास ज़्यादा है, बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मेरा बच्चा दो साल वो करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था यहाँ, और वो तैयारी हो चुकी है। इसी बीच में ये घटना हो गई है, मेरा बच्चा वहाँ गया था, लेकिन उस टाइम से पहले वहाँ यहाँ आया हुआ है, उसने बताया था फोन कॉल डिटेल के आधार पर इस बच्चे को पकड़ा है, और मेरे से उस बच्चे को घर से लेके गए हैं जो एसओजी टीम थी, और उसके बाद सुबह 5:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया एसओ बीबी नगर, उन्होंने कहा इस बच्चे का आधार कार्ड और पैंट पर्स ये चीज़ें दीजिए, वो मुझसे लेके गए हैं। बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया, वो बहुत डरा हुआ था, उसने कहा पापा दे दो, फिर मैं थाने गया, एसओ ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, और उस बच्चे को उठा के आनन फानन में एक केस खोल दिया, कोई टाइम नहीं दिया और आगे चालान कर दिया। सर, सीलू और शिवानी दो लड़कियां हैं इसके अंदर जी, तो जो जिस मतलब शिवानी से या सीलू से आपके लड़के की शादी तय हुई थी? सीलू से, सीलू सनोप गजेंद्र महापुर जी, उससे कई 2-3 साल से वो चल रहा था, डेली का फोन कॉलों का, बच्ची आती जाती थी, बच्चा भी आता जाता था, रिलेशनशिप थी, सब कुछ खुला हुआ था, क्लियर था। और बच्ची ने उस टाइम कॉल करके बुलाया था, ये फ़ोन कॉल डिटेल में भी है, फ़ोन कॉल डिटेल के आधार पर इस बच्चे को उठाया है और इसी बेस पे उसको वो किया है। अभी आप यहाँ ये एसएसपी और डीएम साहब से मिलने गए थे, उनका क्या आश्वासन है आपके लिए? एसएसपी के यहाँ गए थे, जो भी उनके अधीनस्थ थे, उन्होंने हमारी एक एप्लीकेशन ली, जो हमारे जन ये लोग थे, जनसभा थी, ये क्षेत्र के लोग हैं, इनमें आक्रोश है, ये अपनी एक मांग रखना चाहते थे मेरे माध्यम से, उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, केवल पेपर ले लिया, मुझे 2 मिनट मिलने का समय भी नहीं दिया। मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर वो जब भी आएंगे, मैं उनसे केवल 2 मिनट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। उन्होंने वहाँ से प्रताड़ित करने के बाद सबको वहाँ से भगा दिया। कोई आपके साथ में जो मौजूदा व्यक्ति हैं, वो है कोई? किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सारी जनता आपके सामने है। हमको सबको भगा दिया वहाँ से, मौजूदा व्यक्ति हैं सभी है, आप किसी से पूछ। गंगावल सिंह जी, आप यहाँ आए तो क्या पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस ने जो हमको हड़का दिया, बोले हम जो पुलिस चले जाओ यहाँ से, हमने विज्ञापन ले लिया और हम पास करा देंगे। तो ज्ञापन पे मतलब कोई नहीं मिला यहाँ पर? ना, कोई भी नहीं मिला। जो आपने जो ये ज्ञापन दिया है, हाँ, कोई क्या नहीं, एसपी साहब नहीं मिले, नहीं सीओ साहब मिले, सीओ साहब ने तो बड़ी मड़क में बात कही पुलिस वाली, क्या तो भाग जाओ नहीं तो क्या है नहीं। वो मैं बात होती थी, लड़की पसंद करती थी मेरे बेटा को, मैं तुझी से शादी करूंगी, तू फोन पे बात करनी बंद मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो मेरा बेटा मजबूर होकर फोन पे बात करता था, वो मिस कॉल देती थी, फोन करके मेरे बेटा को अपने घर बुलाया कि मेरा बीएड का फॉर्म भरवाना, ये करवाना, वो करवाना। इनकी रिश्ते चलने के बाद बात होती चलती रहती थी, उनको भी पता था, हमें भी पता था। मैं तो माँ के पैर पकड़ लेती उसकी माँ के, कि मैं अपने बेटा, ये ऑनर किलिंग किया है उन्होंने मेरे बेटे को, घटनास्थल से पहले ही आ गया था। उस इस बारे में मेरे बेटा को कुछ भी पता नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे बेटा को निर्दोष फंसाया है इसमें। मेरे बेटे का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये आपस में बहुत प्यार करते थे, वो भी इसे बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। वो क्यों मारेगा मेरे बेटा किसी को भी, जब इतनी लंबी ऊँचाई पर मेरा बेटा जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो वो क्यों मारता किसी को भी? छत्तीसगढ़ से ले गया मेरे बेटा को, निर्दोष फंसाया है। मेरे बेटा की निष्पक्ष जांच हो,
मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल, उसका सीबीआई जांच कराई जाए। आधार कार्ड, पैंट, पर्स मेरे घर से लेके गए रात को, लड़के को ले गए रात को, रात को एक घंटे की कह के लेके गए हैं। फोन उसके हाथ में था, फोन लेके गए कि एक घंटे बाद तुम्हारे पास ले आएंगे। लेकिन मैं इंतजार करती रही पूरी रात, उसके पापा ढूंढते रहे गांव वालों के साथ। मैं गए कि मेरा बेटा मिल जाए, तो कहते एसओ जी ने कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सुबह बात करना। सुबह गए, फिर कैप्टन साहब और भी लोग थे कि जो है गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एसओ जी नहीं मिले, जो कह दी कि जो है फिर बाद में बात करना, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। इतना जनसमूह यहाँ आया हुआ, टोटल चाह रहा है कि भाई इस केस की निष्पक्ष जाँच हो। जो जो भी है यहाँ साथ, वो सब साथ में है और सभी चाह रहे हैं। मैं क्या चाह रही हूँ, टोटल क्षेत्र चाह रहा है क्षेत्र, क्योंकि लड़का जो है वो ना उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि भाई, ना परिवार में ही उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि भाई वो ऐसी ऐसी डेंजर घटना को अंजाम दे सकता है। तो अकेला ही वो बेटा है और बहुत अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ रहा था, तो इसलिए हम सभी चाहते हैं, मैं ही क्या सभी चाहते हैं, पूरा क्षेत्र चाहता है। मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, आप मानती हैं कि जो यहाँ की जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है? हाँ जी, ये तो है, ये तो पता चल रहा है सीधा सीधा का भाई, जब कोई घटना को हुई है क्षेत्र में तो उसके दो तरफा जाँच होनी चाहिए। यही नहीं कि भाई खाली एक कॉल के आधार पर किसी को भी उठाओ और उसे ही पूरा पूरा करके कि भाई यही है सब कुछ, बाकी कॉल तो और उसके परिवारों की भी तो कॉलों की जाँच होनी चाहिए ना। जो कॉल तो पिछले 10 दिन तक की या महीना भर की पूरी पे जांच बैठनी चाहिए, ये थोड़ी है एक कॉल पर उठा और उसे ही जो क्लियर कर दोगे भाई यही है अपराधी, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसमें तो चरमरा व्यवस्था सारी, पूरे प्रशासन की चरमराई लगी रही है। तो सर आपका नाम? राहुल सरोई। राहुल सरोई जी, इस केस के बारे में आप कितना जानते हैं? इस केस के बारे में जानता हूँ, वो मेरा भतीजा था। भतीजा जी, और ये मेरे भतीजे ने आज तक गांव के किसी बच्चे से लड़ाई नहीं की और कभी किसी को गाली दे करा है तो जी, कभी जी कभी किसी बच्चे से गलत नहीं बोला, कभी किसी से आवाज़ नहीं काटी। क्या वो बच्चा मर्डर कर सकता है? दूसरी बात, जब मेरा बच्चा उन लड़कियों ने वहाँ पर बुलाया था, जब उनके अच्छे रिलेशन थे और अच्छे से बातचीत की थी उन्होंने, अच्छे से बात कर रहे थे, तो तभी उन्होंने लड़की ने बुलाया। तो जब अच्छी बात थी तो वो क्यों मारेगा उसे? और एक बच्ची को मारने के बाद क्या कातिल घर पर रुक जाएगा, दूसरी बच्ची को मारेगा और फिर तार से पेट्रोल से लाके मोटरसाइकिल से पेट्रोल काट के बच्ची को जलाएगा? इतना कातिल आदमी नहीं कर सकता। ये दोपहर में वही 12 बजे, क्या आसपास के क्षेत्र में, आसपास के घर में क्या पब्लिक नहीं थी? एक कमरे में एक लड़की को मारा और उसने आवाज़ नहीं की, क्या बच्ची का मुंह दाबा, क्या बच्ची का गला दाबा उसने पहले? अगर बच्ची का गला दाबता तो मुंह नहीं दबेगा, दो हत्या नहीं कर सकता एक साथ वो। तो अब हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच, पुलिस ने आन पान में उसे उठाया, उठाने के बाद उसने, हम कहते हैं मर्डर करके आया, लेकिन मर्डर करने के बाद क्या बच्चा या कोई भी आदमी घर रुकता है? नहीं रुका बच्चा। मैं भैया, मेरा बच्चा घर पे ही था, मेरा बच्चा घर से कहीं नहीं गया। अब उसके बाद उसकी मम्मी एएनएम डॉक्टर नहीं है, वो गांव में पोलियो की ड्यूटी चल रही थी, सुबह उसने ड्यूटी कराई सबकी, और गांव में एक फंक्शन था, सगाई आई थी, उसमें जाके उसने दावत खाई, हम सब बच्चों सबसे मिलके आया, वो सबने हमने देखा को ऐसा, उसमें हाथ पे कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल निर्दोष था। रात को पुलिस 8 बजे आती है और कहती है कि हमें जो पूछताछ करनी है घंटा भर में हम चले आएंगे, आप ले जाना। मैं ठीक है, उसके बड़े मेरे भैया उनके पिताजी रात को मेरे पास आए, भैया ऐसी बात हो गई, चलो वो बीबी नगर रहते थे, हम गांव में रहते थे, हमारा गांव ढकोली है, तो हम जैसे रात को उठ के गए तो हमने थाने 1:30 बजे थाने में इतला की कि भाई हमारा बच्चा लेकर आए थे, आप कहाँ पे है? तो एसओ ने फोन पे ये कहा कि मुझे पता नहीं है और सुबह आप मुझे बात करना, जबकि एसओ उस घटना में पूरा साथ था। और हमारे गांव के सब सुबह जैसे हम पहुंचे तो हमारे बच्चे को 1 मिनट के लिए भी हमें नहीं मिलाया, सुबह कॉल की 6 बजे कि उसके आधार कार्ड और पैंट और पर्स हमें दे दो। तो जितने सूचना की इसके बाद तो गाड़ी 100 PCR था उसमें, अस्पताल में पहुंचने के बाद 2 सिपाही पहुंचे थे, उनके हमारे नाम सब कुछ पता है। तो वो FIR में पुलिस वालों ने क्या दिखाया है? FIR में जो उन्हें कुछ नहीं दिखाया, उसमें अज्ञात दिखा रहे हैं, वो अज्ञात दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने हमारे बच्चे को एक कॉल डिटेल के आधार पर, बस कि इसकी कॉल डिटेल है यहाँ पर ये था, उसके आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया है। और उन्होंने ना तो कभी उसको केस की पूरी जांच करी है, ना केस के तहत तक पहुँचे हैं, ना कोई दूसरा मैटर उखाल रहे हैं। वो ये घर के ही व्यक्ति जो विरोध, लड़की का विरोध कर रहे थे घर के, उसके मम्मी हैं, उसका भाई है, जो घर का विरोध कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा बच्चा या लड़की के बीच में कोई संबंध नहीं थे? अच्छे संबंध थे, प्यार करते थे आपस में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते थे। हम कह रहे हमारा बच्चा गया, हम नहीं डांट रहे, हमारा बच्चा गया वहाँ पर।
पे, लेकिन हमारे बच्चे ने मर्डर नहीं किया, हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ बच्चों को छोड़ के वहाँ पे जब घर आया था, तो उसके हो सकता है उसके किसी परिचित ने ना गुजारा करके हुए और आत्महत्या मर्डर किया हो, जो हमारे भतीजे के सिर पोत दिया गया है। यही मेरा थोड़ा सा ये किसी पे जज मांगते हैं। इसमें सभी लोगों की मांग है और पूरे ढाकोली से आए हैं, विभिन्न नगर से आए हैं और ये कह रहे हैं ठीक है एक बार इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो पुलिस ने जो एफआईआर की है और एफआईआर मेरे हाथ में है और अभी इन्होंने जो ज्ञापन दिया ये मेरे हाथ में, मैं दिखाऊंगा कि एक बार ज्ञापन को दिखाएं। हत्या तो दर्दनाक थी कि उस पर पेट्रोल छिड़क कर उन बच्चियों को आग लगाई गई, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर हम जो फ़ोन पे जो कॉल डिटेल हैं, एक कॉल डिटेल पर किसी को उठाकर आप उसको मुलजिम नहीं बना सकते, ये संविधान की धाराएं कुछ कहती हैं। और भी जो कॉल डिटेल हैं उनको इन लोगों का मानना है, पूरे परिवार का मानना है, जो यहाँ आई हुई भीड़ है, जो पब्लिक है, उनका मानना यह है कि जो कॉल डिटेल है उन कॉल डिटेलों को पूरे को देखा जाए और इस तरीके की जो हत्या हुई है वो शर्मनाक तो है ही, लेकिन यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था, जो प्रशासन है, वो किसको फंसाएगा किसको नहीं फंसाएगा, इन लोगों की जो एक व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, वो चरमरा रही है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।